और ये देखिए कॉम्प्लेक्स सिनेमा हॉल, बिल्कुल 15 मिनट में आप आराम से खगौल से आप गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। जितना भी आपके गाड़ी में गियर होगा ना, 5, 6, 7, 8 सब लगा दीजिए और बस जाते रहिए। कलर है ना मटिया रंग का जो कलर हो गया, समझ सकते हैं पानी बहुत तेजी से आ रहा है। 3 किलोमीटर लंबा यह पुल है सर, रूपसपुर नहर पे चल रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का गंगा पाथवे रोड। हेलो एंड स्वागत है आप लोग का फ्रेंड्स फिर से मेरे एक और वीडियो में। और अभी मैं खड़ा हूँ, लोकेशन बता दूँ तो ये है आपका बगल में ललित भवन, ललित भवन के पास मैं खड़ा हूँ। और आज हम लोग आए हैं एक और वीडियो शूट करने, अपना जो पटना का फ्लाईओवर पार्ट 1 मैंने शूट किया था उसका पार्ट 2 आज मैं शूट करने आया हूँ और आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जो बचा हुआ फ्लाईओवर था पटना का, जो कि बेली रोड साइड का जितना भी फ्लाईओवर है उसको हम लोग आज कवर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे सगुना मोड़ की तरफ बढ़ेंगे, अटल पथ कवर करेंगे, ये सब कवर करेंगे आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने जो ब्रिज हम लोग का दिख रहा है ना, जो ओवर फ्लाई दिख रहा है, इस पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, हवाई अड्डा, और लेफ्ट जाएंगे तो फिर आप CM हाउस भी जा सकते हैं, और सामने जाते हैं तो IGMS हॉस्पिटल होते हुए हम लोग सगुना मोड़ की तरफ इस फ्लाईओवर से हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो में बने रहेगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। ये जो फ्लाईओवर है हम लोग का ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस जो यहाँ पे CM हाउस जाने का जो कनेक्टिविटी है बस इसको ये आसान कर दिया है। और ये देखिए अपना पटना का सबसे खूबसूरत भवन, सरदार पटेल भवन। और अभी हम लोग एक और फ्लाईओवर चढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। और ये फ्लाईओवर जो मेन बेली रोड का फ्लाईओवर आप इसको कहेंगे, ये आपको बहुत लंबा फ्लाईओवर है। इसका अगर लंबाई मैं आपको बता दूं तो जहाँ तक मैंने इसको काउंट किया है 3 किलोमीटर लंबाई, और सीधे आपको ये पूरा बेली रोड ख़त्म कर कर ही उतरेगा। फ्रेंड जितना शांत और आराम से यहाँ ऊपर में गाड़ी चल रहा है ना, उसके नीचे अगर जाइएगा, इसके नीचे तो आप उतना ही ज़्यादा जाम का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि नीचे का इलाका जो है ना बिल्कुल भीड़ भाड़ का इलाका है। बहुत हालांकि बहुत फेमस जगह है और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आता है इसके जस्ट नीचे। आप देखिए सामने में हम लोग को बिल्डिंग दिख रहा है पारस हॉस्पिटल, जो कि पटना का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। इसके नीचे आता है IGIMS, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हम लोग का, वो इसके नीचे आता है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे इन हॉस्पिटल में जाने के लिए कितना सारा गाड़ी आता जाता होगा, बहुत ज़्यादा जाम नीचे लगता है। और ये देखिए कॉम्प्लेक्स सिनेमा हॉल, हम लोग का जाने का ख्वाहिश है, बहुत नाम है इस सिनेमा हॉल का। सिनेमा हॉल का खासियत मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सो कर फिल्म देखने का फैसिलिटी आपको मिलता है, बैठ कर नहीं, आप सो कर फिल्म देख सकते हैं आराम से। पूरा गद्दा लगा दिया गया है, मोटा मोटा गद्दा, और उस पर आप सो कर तकिया के साथ आराम से आप मूवी देख सकते हैं। और सामने देखिए बोर्ड दिख रहा होगा, ये जो रोड है हम लोग का पुल है, फ्लाईओवर है, वो ख़त्म हो रहा है। और जो ख़त्म हो रहा है उसका मैं आपको अपडेट दे दूँ कि यहाँ पर रुकनपुरा, ये जगह का नाम है रुकनपुरा, में आकर यह फ्लाईओवर हम लोग का ख़त्म हो जाता है। और अभी हम लोग लगभग 200 मीटर आगे बढ़े होंगे उस पुल से उतरने के बाद, तो हम लोग को फिर से एक और पुल मिलता है। ये देखिए एक और फ्लाईओवर मिलता है जिसको हम लोग पाटलिपुत्रा फ्लाईओवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी फ्लाईओवर के जस्ट नीचे जो हम लोग का है रेलवे ट्रैक है, जो कि पाटलिपुत्रा स्टेशन तक जाता है, और उसके ऊपर हम लोग का जो पाटलिपथ है वो फ्लाईओवर इसके जस्ट ऊपर है। देखिए मैं इसी का बात कर रहा था, ऊपर में हमारा पाटलिपथ और नीचे में जो रुकनपुरा का जो रूपसपुर नहर है, देख सकते हैं आप रूपसपुर नहर वो सामने, और उसके नीचे से जर रोड। और ये देखिए पाटलिपुत्रा जो स्टेशन आने वाला जो रेल ट्रैक है। और फ्रेंड्स मैं अभी फिर उसी पुल के नीचे हूँ जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, जो हमारा पाटलिपथ है, हम लोग जिस चढ़ रहे हैं रूपसपुर नहर पर चल रहे हैं, और इसके बगल में जो फ्लाईओवर है इस पर हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं। इसको चढ़ने के लिए हम लोग को अभी जाना पड़ेगा फ्रेंड्स खगौल, दानापुर जो रेलवे स्टेशन है, रूपसपुर जो नहर वाला जो रोड था हम लोग का वो ख़त्म हो रहा है। और देखिए सामने में भी एक आपको ब्रिज दिख रहा होगा, रोड से हम लोग इस ब्रिज से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक राइट टर्न मिलेगा जहाँ से हम लोग जा सकते हैं रेलवे स्टेशन दानापुर। और अगर हम सीधे चले जाएँगे तो हम लोग चले जाएँगे जो खगौल मार्केट है वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ से और जो फुलवारी का जो रूट है उस रूट में ये पूरा आपको मिला देगा, वहाँ से आप फुलवारी जा सकते हैं इसी ब्रिज के सहारे।
वो जो रूट है उससे आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे दानापुर रेलवे स्टेशन। चलो ये देखिए यहाँ पे बोट, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसके आगे, देखिए महावीर कैंसर स्थान जा सकते हैं, अनिसाबाद मोड़ जा सकते हैं, एम्स दीघा एलिवेटेड जो पथ है हम लोग जो चढ़ने वाले हैं उस पर जाएंगे, और आपको देख सकते हैं नौदपुर अलवर औरंगाबाद इसी रूट से आगे बढ़ने के बाद हम लोग जा सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग राइट जाते हैं ना, राइट जाएंगे तो हम लोग हवल जो मेन मार्केट है वहाँ चले जाएंगे, और ये जो रोड देख रहे हैं इसके आगे हम लोग सीधे अगर जाएंगे तो हम लोग फुलवारी चले जाएंगे, सामने चले जाएंगे, सामने तो हम लोग चले जाएंगे फुलवारी, और यहाँ से हम लोग अभी लेंगे टर्न, बस यहाँ से यू टर्न लेना है और आ जाना है ये वाला ब्रांच रोड में, और देखिए ये जो बगल में हम लोग का जो दिख रहा है पुल इसी पर हम लोग को चढ़ना है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग आ गए अभी पाटली पथ पे, और यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा जेपी सेतु जाना है तो बस 10 किलोमीटर, सोनपुर यहाँ से हम लोग का 22 किलोमीटर पड़ेगा, छपरा 65 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस ब्रिज का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आउट ऑफ पटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता, लेकिन बहुत बेहतरीन हमको यह ब्रिज लगा। मैं अब जब भी पटना जाता हूँ तो बिल्कुल इसी ब्रिज का सहारा लेता हूँ, 10 मिनट में हमको यहाँ दीघा पहुँचा देता है। बहुत लंबा पुल है, तो सीधा यह पुल आपको जाकर दीघा में उतार देगा आपको। तो भाई साहब सच बता रहा हूँ, इस पर गाड़ी चलाने में ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रोड पे, क्योंकि पूरा खाली हुआ है, एकदम खाली रोड है, बिल्कुल दो चार गाड़ियाँ चल रही है, और बिल्कुल एकदम धर्राले से एकदम गाड़ी चला सकते हैं आप, फर्राटे से गाड़ी चला सकते हैं, जितना भी आपके गाड़ी में गेयर होगा ना 5, 6, 7, 8 सब लगा दीजिए और बस जाते रहिए। ये जो फ्लाईओवर है ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो भी विक्रम वगैरह से जो लोग आते हैं, नौहतपुर से जो लोग आते हैं, उनको अगर पटना जाना है, गांधी मैदान जाना है, पीएमसी जाना है, पटना सिटी जाना है, उनके लिए ये जो फ्लाईओवर है बहुत काम का फ्लाईओवर है। खगौल आइए, खगौल फ्लाईओवर चढ़िए और सीधा एकदम जाकर दीघा उतर जाइए। दीघा उतरने के बाद आपको फिर से एक मैरिन ड्राइव नाम का एक फ्लाईओवर मिलेगा, सॉरी रोड मिलेगा, जो कि अभी बहुत फेमस है पटना में, उस रोड को आप पकड़िए और सीधा पहुँच जाइए गांधी मैदान, उसके आगे भी वो रोड जा रहा है अभी बना नहीं है, गांधी मैदान चले जाइए, बस वहाँ से आपको भाई साहब जिधर भी जाना है पटना में आप आराम से जा सकते हैं। तो बिल्कुल 15 मिनट में आप आराम से खगौल से आप गांधी मैदान पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस रूट पे ना 7 से 8 मिनट में ये वाला पुल क्रॉस कर लीजिएगा, 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा खाली आपको दिख रहा हो, देखिए रोड बिल्कुल खाली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती इस पर, बिल्कुल खाली रहती है और बिल्कुल चौड़ा सा रोड है तो आराम से गाड़ी पास हो जाती है, बहुत तेज़ पास हो जाती है। तो अब 7-8 मिनट में आप पहुंच जाइएगा दीघा, और वहां से 7-8 मिनट में आप आराम से गांधी मैदान पहुंच जाएगा मैरिन ड्राइव रोड को पकड़कर। ये देखिए भाई साहब इस पुल का खासियत, यहां से आप पूरा पटना को अपने दो नैनों से आप देख सकते हैं, ये पूरा पटना दिख रहा है भाई, और खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा है। और आपको दिखाते हैं इस साइड का, दिखाता है ये वाला जो एरिया पटना जंक्शन वगैरह का एरिया, बेली रोड ये वाला पूरा एरिया आप देख सकते हैं, पूरा पटना दिख रहा है भाई जी, पूरा पटना। और पुल पे चलते चलते हम लोग देखे ये है स्टेशन पाटलिपुत्रा स्टेशन, 9 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है, और यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं दीघा में, अभी तो 0 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि हम लोग अभी दीघा में है, जेपी सेतु यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जेपी सेतु जो गंगा पथ है वो स्टार्ट हो जाएगा, हमको मैरिन ड्राइव जिसको लोग कहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। सोनपुर यहाँ से 14.5 किलोमीटर, छपरा आपका 57 किलोमीटर है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट हम लोग का ब्रिज है वो कौन सा है। यहाँ पे थोड़ा बारिश भी तेज़ हो गया है, गंगा मैया का नज़ारा आप देख सकते हैं, और यहाँ का जो लोकेशन है वो आपको बता दो कि यहाँ पे जो लाश वगैरह होता है ना मरने के बाद जो लोग आते हैं वो यहाँ पे उनका दाह संस्कार होता है, तो लाश को जलाया जाता है एक। और ये देखिए यहाँ पे भी जो गंगा पथवे रोड है उसका काम इधर तक चल रहा है, और सामने गंगा मैया, क्या मस्त खूबसूरत नज़ारा है। और अभी जो पानी का फ्लो है ना वो यहाँ पे बढ़ गया, अगर आप 15-20 दिन पहले आते हैं तो बिल्कुल बहुत कम पानी था, और अभी जो फ्लो है वो बिल्कुल बढ़ गया, आप कलर से ही देख सकते हैं, जो कलर है ना मटिया रंग का जो कलर हो गया, समझ सकते हैं पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का गंगा पाथवे रोड, और यहाँ पे हमेशा भीड़ रहता है, सुबह आइए, शाम आइए, दोपहर आइए, बहुत सारा गाड़ी है, पिकनिक स्पॉट बन गया यहाँ पे, देख सकते हैं गंगा किनारे कितने सारे लोग जो हैं बिल्कुल आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं नाव यहाँ पे है, लोग इस पार से उस पार जाते हैं, नाव के सहारे जाते हैं, तो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट सा बन गया है यहाँ पे। ये देखिए आज संडे का दिन है और लोग पूरा बेहतरीन तरीके से संडे मना रहे हैं, पूरा छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ देखिए,
बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बन गया लोगों के लिए। और यहाँ गंगा पथ के बाद देखिए एक और ब्रिज हम लोग को मिला है। अब इस ब्रिज को हम लोग कवर करेंगे और यह ब्रिज हम लोग का अटल पथ, पटना का बहुत फेमस रोड है, सॉरी ब्रिज है, अटल पथ। आप देख सकते हैं इस पथ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अटल पथ का पूरा जर्नी। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, लगभग 2 महीना के अप्रॉक्सीमेटली हो रहा होगा जब इस रोड का, इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। इस ब्रिज का और जो मैरिन ड्राइव है उस रोड का, दोनों का साथ में उद्घाटन हुआ था, एक ही दिन उद्घाटन हुआ था। यह ब्रिज जो है आगे जाकर आपको आर ब्लॉक है वहाँ पे जाकर मिलता है, वहीं से यह ब्रिज स्टार्ट होता है और इसका एंडिंग यही गंगा पाथवे पे यानी कि मैरिन ड्राइव पे जाकर इसका एंडिंग हो जाता है। तो आर ब्लॉक से लेकर और ये आपका गंगा पाथवे तक, यहीं तक का इसका जर्नी है इस ब्रिज का। और यह चौंकाने वाले बात है, बिहार के पुल या फिर रोड कह लीजिए, रात में भी कई पुल है जिसपे लाइट वगैरह नहीं जलता है और यहाँ भी सिर्फ शाम हुआ है, 5 बजा है और देखिए लाइट पूरा पुल पे बार दिया गया है, अच्छी बात है। तो हम लोग आज पूरा जो है ब्रिज का जो पार्ट बचा हुआ था पटना के जिस इलाके में, सगुना मोड़ बेली रोड साइड वाले इलाके में और इधर गंगा पथ वाले इलाके में, हमने आज कवर कर लिया पूरा ब्रिज आपको दिखाते हुए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको तक पहुँचाया है। अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाया तो प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर सुधार करूंगा ज़रूर। हालांकि मैं ऐसा कोशिश करता नहीं हूं कुछ भी गलत बताऊं, जो रियलिस्टिक होता है, जो रियल होता है वही मैं आपको दिखाता हूं, वही मैं आपको बताता हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट का मन हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फालतू का गाड़ी इस पर स्पीड ना चलाएं, मैं बस यही कहूँगा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। रोड पूरा खाली रहने का ये मतलब ये नहीं होता है कि पूरा आप अपना गाड़ी के जितना भी स्पीड होता है, जितना टॉप गियर होता है उसको आप लगा दीजिए और जाइए, नहीं कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप सावधानी बरतें, धीरे चलाएं और हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी होता है। हेलमेट तो कंपलसरी है भाई जी, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप जब भी रोड पर निकले, इस टाइप का रोड पर निकले, पुल पर निकले, तो आप हमेशा हेलमेट पहन कर निकले, क्योंकि जान है तो जहान है। आर ब्लॉक से यह जो रोड है हम लोग का स्टार्ट होता है, पटना का जो ये अटल पथ है ये स्टार्ट होता है और आपको जाता है जहाँ तक मैं आपको दिखाता है, दिघा मैरिन ड्राइव में जाकर ये मिल जाता है, यह रोड यह ब्रिज जाकर मिल जाता है। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। आज का जो सेशन था हम लोग का यहीं पर एंड होता है, बस आर ब्लॉक पहुँच गए, अब सामने आप लोग को ब्रिज दिख रहा होगा, वहाँ पर गोलंबर है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे एंड जय हिंद।